हाय मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं फॉलो कर पाया हूँ, लेकिन हाँ वीकेंड के वार देखे हैं, ऑब्वियसली कुछ एपिसोड्स देखे हैं, सो यस आई एम काइंड ऑफ अवेयर। आई थिंक अब्दू रॉजिक इज समबडी जिसको हम सभी पसंद कर रहे हैं और हम सभी प्यार कर रहे हैं, एंड माई फेवरेट इज हिम। या वेल आई थिंक अर्चना बहुत एंटरटेनिंग है, वो जैसी भी हैं जो भी उनके स्टैंड हैं, पर वो बहुत स्ट्रांग है, एंड आई थिंक कुछ मुद्दे वो बहुत करेक्ट उठाती हैं, जैसा कि उन्होंने कहा भी कि अब्दुल रौजिक को हम सब लोग स्पेशली क्यों ट्रीट करें, ही इज़ अ कंटेस्टेंट, और अगर आप उन्हें इक्वालिटी देना चाहते हो और इज्जत देना चाहते हो और प्यार देना चाहते हो, यू शुड ट्रीट हिम लाइक अ नॉर्मल इंसान, यू शुड नॉट ट्रीट हिम लाइक ही हैज़ अ स्पेशल कंडीशन, बिकॉज वो खुद बहुत स्ट्रांग है, तो आपको उन्हें कमज़ोर नहीं बनाना चाहिए। वह शालिन मेरे दोस्त भी रह चुके हैं, अच्छे जा रहे हैं, बीच में थोड़ा बहुत उनका हो गया था कुछ चिकन, बट अच्छे जा रहे हैं, एंड शिव भी बहुत सही खेल रहे हैं, शिव इनफैक्ट बहुत रियलिस्टिक हैं, और उनके और प्रियंका के कॉन्वर्सेशन बड़े मज़ेदार लगते हैं मुझे। क्या कहूँ, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे को सबके लव एंगल फेक लगते हैं, किसी को अंदर घुसते से 150 कैमरा के सामने एकदम से प्यार नहीं हो जाता। इस बार बिग बॉस पहली बार खुद बोल रहे हैं, पर ना बहुत सारे एंगल्स मुझे फेक लगते हैं। ये मैं नहीं डिसाइड कर सकता, तो जनता डिसाइड करेगी कि कौन डिजर्व करता है कौन नहीं डिजर्व करता है। जेन्युइनली आई मीन ये आप कोई नहीं कह सकता। हु इज द फेकेस्ट पर्सनालिटी इन दिस सीजन? I don't know them that well that मैं ये बोल सकूँ, और ये बोलने के बाद फिर जब बाहर वो लोग आते हैं तो बड़े पंगे होते हैं, तो रहने दो। ऑल द बेस्ट, आई मीन इफ इट इज ट्रू लव ऑल द बेस्ट, भाभी बोलना शुरू कर देंगे हम टीना को फिर। ये लोग जो कह रहे हैं वो उनका ओपिनियन है, मेरा अपना अलग ओपिनियन है, नहीं फंसा पाओगे आप मुझे। आपसे जानना चाहेंगे उनकी पर्सनालिटी कैसी है, बहुत अच्छी है, ऐसी क्या चीज है जो उन्हें और एक्सप्लोर करना चाहिए और उन्हें यू नो ज्यादा दिख सकते हैं हिमसेल्फ। आई थिंक शालिन की बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी है, उन्हें खुद ही को एक्सप्लोर करना चाहिए। हाँ दिख रहा है, फंस चुके हैं, करेक्ट दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है कि वो फंस चुके हैं। ये मैं कैसे बोल सकता हूँ, आप कल आप दो बॉयफ्रेंड बना लेंगी तो मैं थोड़ा बता सकता हूँ आपको इसके साथ रहना चाहिए। शालिन को इसके साथ अच्छा लगे और जो उनके साथ खुश है उनको शालिन के साथ रहना चाहिए, शालिन और वो दोनों का डिसीजन है, मैं कोई होता ही नहीं हूँ बोलने वाला। अंकित मुझे बहुत अच्छे इंसान लग रहे हैं, पर बिग बॉस के लिए नहीं बने, सिंपल। यार ये तो वही वाली बात हो गई कि खीर हम नमक से क्यों नहीं बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, नहीं मजा आएगा, मतलब ये कोई बात ही नहीं हुई। अगर बिग बॉस इज अ टीवी शो, वहां पे अब लोग मुझे इंट्रोवर्ट बोलते हैं जबकि मेरा बाहर नहीं आया था, लेकिन वही रीजन सब मुझे भी देते ना भाई, यू कांट बी एन इंट्रोवर्ट एंड बी ऑन द शो, लोगों को पता कैसे पड़ेगा कि आप क्या सोच रहे हैं, एंड उसके लिए किसी और कंटेस्टेंट की जगह आप क्यों ले रहे हैं, यू नो व्हाई यू टेकिंग मनी टू बी एन इंट्रोवर्ट ऑन टेलीविजन, डजंट मेक सेंस। इट्स लाइक मैं डांस रियलिटी शो में जाकर बोलूँ मुझे डांस नहीं आता, या मैं खतरों के खिलाड़ी में जाकर बोलूँ कि नहीं यार मैं नहीं स्विमिंग के टास्क करूँगा, तो फिर मैं यहाँ क्यों आया हूँ। हर सीज़न के समय ना लोग यही कहते हैं, 4-5 हफ्तों के बाद उनको उसी की आदत हो जाती है, इट्स लाइक हर साल आता है, हर साल यही बातें होती हैं, एंड फिर आ ही जाएगी राखी वापस। नहीं मेरे को देखने का ऐसा कुछ नहीं कि मुझे देखना है, पर वो आएंगी, वो हर साल आती हैं, तो आई एम श्योर इस साल भी आएंगी। अगर आपको इस बार अप्रोच किया गया वाइल्ड कार्ड एंट्री, तो क्या जाकर किसे आप समझाओगे, क्या आप
मैं किसी को नहीं समझाऊंगा ब्रो, मुझे किसी को नहीं समझाना है, बल्कि मैं समझ चुका हूँ कि क्या करना है। तो इफ आई गो बैक, कुछ काफ़ी मज़ेदार चीज़ें घर में हैं जो मैं करना चाहूँगा। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि हर कोई साजिद सर क्यों करता रहता है। वो कंटेस्टेंट के रूप में गए हैं, आपको उन्हें कंटेस्टेंट की तरह लेना चाहिए। वो फिल्म नहीं देने वाले हैं आपको जस्ट बिकॉज यू आर नाइस विथ हिम इनसाइड, एंड दैट एवरीबडी शुड नो। सेकेंडली, अब्दू को अगर आपको इज्जत देनी है तो अब्बू को बच्चे की तरह मत ट्रीट करो, ट्रीट हिम लाइक एन अडल्ट, कॉम्पिटिशन की तरह ट्रीट करो उसे। एंड थर्ड, बहुत ही पुराना हो गया है, सालों पुराना हो गया है कि अब तो दिखता है कि जब कंटेस्टेंट्स एक दूसरे के साथ बैठ के मोमेंट का इंतजार, उन्होंने अपने दिमाग में सोच लिया कि कौन सा म्यूजिक लगेगा, कौन सा एडिट जाएगा। सो दैट्स वेरी वेरी अनरियलिस्टिक टू मी, वो मैं कॉल आउट जरूर करूँगा। मैं वही कह रहा हूँ, 100% वो नंबर कमाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि अगर हम अब्दू के लिए ज़्यादा, सी सबको पता है कि अब्दू पॉपुलर है, अब्दू को प्यार मिल रहा है, और ये अंदर के कंटेस्टेंट्स वहीं पे एक्टिंग कर रहे हैं कि अगर हम अब्दू को एक रोट एक्स्ट्रा देंगे तो लोग हमें ज़्यादा प्यार करेंगे। अब्दू के बारे में कुछ मत बोलो, अरे यार सबसे पहले आप अब्दू को वो इज्जत तो दो कि आपका को कंटेस्टेंट है, आपसे कम नहीं है अब्दू। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुआ पे स्वाद रखना, चन्ना मेरे या मेरे या। इसे टॉप 5 पे देखना चाहते। कहाँ? बिग बॉस देखना क्यों? मेरे को कोई पैसे नहीं दे रहा इनमें से, ठीक है? तो मुझे जिनके एजेंट्स बोलेंगे कि इनके लिए ट्वीट कर दो, उनको देखना चाहूँगा।